भरवासा की अशनाई दा डर लगता बेपरवाही दा। आशिकी का क्या भरोसा, बेपरवाही से डर लगता है। वो बेपरवाह है, बुल्ले शाह हो कि नानक हो, कि और कोई भी जानने वाला हो, सबने यही जाना है। बेपरवाही उसका स्वभाव है। बुल्ले शाह कह रहे हैं, भरोसा की अशनाई दा डर लगता बेपरवाही दा। दो तल पे डर है, हम तो हो गए उसके आशिक और वो रहा बेपरवाह। उसकी आशिकी ऐसी कि कहते हैं ना कबीर, ऐसा रंग रंगा रंगरेज ने लालम लाल कर दीनी, कि वो जैसा है वैसे ही हमको कर देगा। वो बेपरवाह है तो हमें भी हो ही जाना है, और जो उसके इश्क में पड़ा वह उसी के जैसा बेपरवाह ना हो जाए ऐसा होता नहीं। डर लगता है मेरा होगा क्या, क्योंकि मैं तो परवाहों का ही पिंड हूं। परवाह माने फिक्र, चिंता, उलझन, परेशानी, गंभीरता, महत्व। मैं और हूं क्या जो इसकी परवाह करता है, उसकी परवाह करता है, ये हासिल करना है। और अब लग गया इश्क का तीर, खत्म होते जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं, दिल में आके लगा है बिल्कुल, बेपरवाह होते जा रहे हैं हम, मिटते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। डर लगता है जो कोई मिट रहा है, संभव ही नहीं है कि उसको ये डर न लगा हो, न लगता हो। कभी कभी तो बहुत ही जोर से लगता है, मेरा होगा क्या, ये किस रास्ते जा रहा हूं। ऐसा लगता है जैसे अचानक से किसी ने गला पकड़ लिया हो, अचानक से ऐसे कुछ याद आ गया हो कि कुछ छूट रहा है, कुछ छूट रहा है। जैसे तुम गाते 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 किसी के साथ चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, और बहुत दूर निकल गए हो, और तभी अचानक गीत टूटे और तुम खौफ में इधर उधर देखो कि गाते गाते आ कहाँ गए। ऐसा सा डर। तो एक तो डर है कि मैं गया, मैं गया, वो बेपरवाह, उसके साथ हुआ मैं बेपरवाह, और था मैं सिर्फ परवाह। मैं गया। और दूसरा कि मैं जब बेपरवाह हुआ तो फिर इस पूरे संसार का क्या होगा, क्योंकि इससे जो मेरे सारे संबंध थे वो परवाहों के ही थे। दो ही तरह के संबंध होते हैं, या तो आशिकी के या परवाह के, या तो प्रेम के या डर के। आशिकी माने प्रेम, परवाह माने डर। दुनिया से हमारे सारे संबंध होते ही परवाह के हैं। प्रमाण चाहते हो तो ये देख लो कि
तुम परवाह करना छोड़ दो तो भी वो संबंध बचेगा क्या? तुम 2 दिन परवाह ना करो, संबंध खिंच जाएगा। 2 महीने ना करो तो टूट जाएगा। और उसका प्यार माने क्या? सत्य की ओर जाना और कुछ खास नहीं। उसका प्यार तुम्हें बना देगा बेपरवाह। जिम्मेदारी का जो वास्तविक अर्थ जान लेता है वो दुनिया की नजरों में गैर जिम्मेदार हो जाता है। तो पहला तो ये कि मैं गया, जिन ख्यालों के साथ जीता था, जो अपनी पूरी छवि बना रखी थी, अपनी ही नजरों में मैं जो था, जो मेरा पूरा आंतरिक विश्व था, गया। और दूसरा ये जो अपने आसपास संसार इकट्ठा कर रखा था, लोग इकट्ठा कर रखे थे, ये भी गए। अब आशिक के लिए बड़ी एक समस्या पैदा होती है। क्या? अंदर अंदर जो हुआ वो तो तुम्हारे और परमात्मा के बीच की बात है। तुम जानते हो क्या हुआ, तुम जानते हो कि सभी कुछ बदल गया। लेकिन बाहर की दुनिया में लोगों को एक चीज दिख रही है जो बदली नहीं। क्या? तुम्हारा शरीर। शरीर रूप में तो तुम अभी भी वही हो जो तुम पहले थे। जैसी शक्ल तुम्हारी साल भर पहले थी, आज उससे कोई खास भिन्न तो नहीं हो गई है। और जो भिन्नता आई भी है, उसको देखने के लिए पारखी आंखें चाहिए, दुनिया के पास अक्सर होती नहीं। तो दुनिया की नजरों में तुम अभी भी वही हो जो पहले थे, और बदल तुम गए हो, बेपरवाही आ गई है। अब अड़चन पैदा होती है, अब आरोप लगते हैं। वो कहते हैं तू तू होकर के वैसा ही क्यों नहीं है जैसा तू था। अब हम उन्हें कैसे बताएं कि शरीर के अलावा और कुछ अब बचा ही नहीं, बाकी तो सब वो ले गया, हर ले गया, तभी तो हरि कहलाता है। अब ये दांत हैं जो पहले जैसे दिखते हैं, और आंख कहो तो तोड़ डाले। तुम ऐसे अंधे हो कि तुम्हें हमारे आंख कान दांत हाथ के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता, तुम्हें समझ ही नहीं आता कि मन अब वो रहा ही नहीं जैसा था। तो हमसे उम्मीदें भी वो क्यों करते हो जो पहले थीं? पर दुनिया इस बात को समझती नहीं, अड़चनें पैदा करती है। तो गाते हैं बुल्ले शाह, भरोसा की आशनाई दा, डर लगता बेपरवाही दा। उसकी आशनाई सबके लिए नहीं है, जो दोनों ओर से मारे जाने को तैयार हों वही कदम बढ़ाएं। पहली समस्या भीतर भीतर होगी, तुम्हारे लक्ष्य बदलेंगे, तुम्हारा होना बदलेगा, तुम्हारे विचार बदलेंगे, पसंदें बदलेंगी, जरूरतें बदलेंगी, उपलब्धियों का ख्याल बदलेगा। और दूसरा बदलाव बाहर होगा, दुनिया वालों के साथ रिश्ते नाते बदलेंगे, लोगों को देखने का तरीका बदलेगा। और दोनों ही तरफ उलझन है।
क्योंकि बहुत लंबा समय तुम यूं ही जिए हो, ऐसे ही एक तरीके से। वो तरीका झूठा था पर चला लंबा है। अब जब सच सामने आता है तो उसके सामने एक लंबा फैला हुआ विस्तृत झूठ है, और झूठ जितना लंबा चौड़ा हो गया होता है उसमें तुम्हारे स्टेक्स उतने ही ऊंचे हो गए होते हैं, तुम्हारे स्वार्थ उसमें उतने ही गहरा गए होते हैं। तुमने उसमें गहरे इन्वेस्टमेंट कर दिए होते हैं, निवेश। तुम 20 साल से एक रिश्ते को खाद और पानी डालते आ रहे थे, आज तुमको दिखाई दिया उसमें जड़ ही नहीं थी। तुम 20 साल से एक ऐसे पौधे को सींच रहे थे जो बिना मूल का है, तुम्हारा निवेश है, 20 साल तुमने उसमें लगाए हैं। दिक्कत तो होगी, डर तो लगेगा। तुम कहोगे जो दिखता है नकली ही दिखता है, इससे अच्छा तो दिखे ही ना, हम नहीं देखेंगे। और शुरू शुरू में ये होता भी है, दिखने वाले को जब नया नया दिखना शुरू करता है तो अक्सर उसे यही बेहतर लगता है, आंख बंद कर लो। कुछ दिन तक कर भी लेता है, भाग जाता है। योग भ्रष्ट आया, शुरू किया, आगे बढ़ा, फिर भाग गया। वो भागा ही इसीलिए क्योंकि शुरुआत हो गई थी, शुरुआत ना हुई होती तो भागता नहीं। पर फिर धीरे धीरे लौट के आता है, समझ जाता है कि अब भागना व्यर्थ है, फंस गए, अब तो दिख गया सो दिख गया, अनदेखा कैसे करें, कैसे भूल जाएं कि सच क्या है, कैसे सो जाएं दोबारा, अब तो जग ही गए। पता नहीं कौन था कमबख्त जिसने जगा दिया, पर अब करें क्या, आंख बंद कर करके भी नींद अब आती नहीं। दो बार चार बार करवट बदली, मुंह पे रजाई डाली, तकिए में मुंह घुसेड़ा, नींद आई नहीं रही, जगा गया। फिर मुंह बसेरते हुए ही सही, धीरे धीरे करके बिस्तर से उतरते हो, बाहर आते हो, चमक रहा है वो। फिर भूल जाते हो कि कभी सोए भी थे, फिर भूल जाते हो कि कभी सपनों में खोए भी थे। फिर नया जीवन है, फिर सारे डर वर गए, जाने दो। डर लगेगा जब बुल्ले शाह को लग रहा है तो।